बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज हम देखने जा रहे हैं मेला, तो आज हमारे यहाँ शीतला सप्तमी का मेला है, तो हम देखने के लिए पहुँच चुके हैं। और मेले में आज बहुत भयानक भीड़ होने वाली है क्योंकि आज आखिरी दिन है, तो चलते हैं मेले में और फिर आपको दिखाते हैं। बाहर बैरिकेडिंग लगी हुई है अंदर, लेकिन हम अंदर जा रहे हैं, मतलब पैदल जा सकते हो, इतनी ज़्यादा भीड़ है अंदर आज मेले में। तो बहुत भीड़ हो गई है और अब हम मेले के अंदर एंटर कर चुके हैं और अब आगे चल रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं मेले के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो मेरे साथ एक बार फिर है नारायण जी, और हम नारायण जी और हम दोनों ही जा रहे हैं मेले में। हाँ, कैसा लग रहा है नारायण जी मेले में? बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है। और नारायण जी बिल्कुल अंदर पहुंच चुके हैं मेले में और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत भीड़ है, चारों तरफ दुकानें दुकानें हैं, बड़े अच्छा लग रहा है। नारायण जी कुछ खाएंगे क्या? अपन कुछ नहीं खाएंगे। मेले में मैं भी कुछ ढूंढ रहा हूँ, मैं तो भी बाल का विग लेना है कॉमेडी करने के लिए। मेले में तो बहुत भीड़ है, अभी हमें झूले पे जाना था लेकिन झूले पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी बंद होने का भी टाइम है, बहुत आया है मेले में। तो अभी हम आगे चल रहे हैं और आगे मेले को ढूंढते हैं। बैठना था लेकिन इसमें इतनी भीड़ है, जगह ही नहीं मिल रही है, सीट बहुत भीड़ है, लेकिन अब मेला बंद हो चुका है, हमें घर जाना पड़ेगा और थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। आओ आओ तो बनाओ, लेना भाई करो, पर्यावरण नहीं लेना, पर्यावरण कॉमेडी को नहीं है, रोटी नहीं दिया। हम लोग घूम ही रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन खाना पीना तो हम खा के आए हैं, लेकिन आप कुछ अच्छा मिलेगा तो खाएंगे। बढ़िया, अपन को तो मिल नहीं रहा है, आइसक्रीम खाएंगे हम दोनों। तो भाई साहब ये स्पेशल स्टाइल देखो, ये स्टाइल मेले के अंतिम फ्लोर तक पहुँच चुके हैं, लास्ट पॉइंट पे हैं हम मेले के। तो जल्दी आए आंट जी आते हमारे टाइम तो मिट्टी के खिलौने आते थे, पर आजकल एल्युमिनियम के खिलौने आने लगे सीधे बच्चों के लिए, डायरेक्ट न टूटे न फूटे, कुछ बात ही परमानेंट, तरह तरह के आइटम है, भगोने वगैरह सब कुछ, मतलब टूटने का झंझट ही नहीं। स्पेशल कुकर, अंदर दाल वाल भी बन सकती है, इतना बढ़िया है, मतलब बच्चों के लिए स्पेशल खिलौने तैयार कर दिए इन्होंने। हाँ, कैन बड़ा मज़ा आता था खेलने में, अब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब हमारे टाइम तो होते ही नहीं थे, अब होते हैं। देखो बढ़िया लंच हुआ, नारायण जी भी डिस्प्ले कर रहे हैं और इन भाई साहब की यह दुकान है, छोटी छोटी बाल्टी, वाह मजा आ गया, चलो लगा के मजे करते हुए। और इन भाई साहब की दुकान है, ये बहुत सारे कैप है, मैं भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ, मेरा भी मन आया है, मैं भी ट्राई करता हूँ। अरे यार पहनाओ तो सही, ये पकड़ो कैमरा पकड़ो, अभी हम भी ट्राई करते हैं, निकल कैसी लग रही है भाई, बहुत जोरदार, तो ऐसे ब्लॉगिंग करते हुए कैसा लग रहा हूँ मैं।
और नारायण जी ज्वेलरी शॉप पे आए हैं और नारायण जी कुछ देख रहे हैं अपने कानों के लिए। नारायण जी को कुछ पसंद नहीं आ रहा है। नारायण जी आगे आगे, मैं पीछे पीछे नारायण जी का वीडियो बना रहे हैं। पान खाएंगे? बिल्कुल खा लेंगे। वाह भाई, हमको तो पान खिला दिया है। खाई के पान बनारस वाले, खाई के पान बनारस वाले। क्या क्या डाले था, हमको याद नहीं है यार। तो हमने खा लिया बनारस का पान। अब साला डायलॉग याद नहीं आ रहा है कि कौन सा डायलॉग था हमको। खाई के पान बनारस वाला डायलॉग याद नहीं आ रहा, कमेंट करके बताना कौन सा डायलॉग था। तो भाई नारायण जी को कुछ आसानी से पसंद नहीं आता है ना भाई नारायण जी। वीडियो आगे गए, सीन कट कर देंगे, सीन कट। तो मैं और नारायण जी प्लास्टिक शॉप पे आ गए हैं और कुछ सामान खरीद रहे हैं अपने घर के लिए। नारायण जी भी एक आधा सामान देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। मैंने कुछ ये सारा सामान लिया है, मैंने इतना सारा सामान ले लिया। कुछ प्लास्टिक है, साबुनदानी घर के लिए ले लिए। कितना हुआ इनका? तो इतना सारा सामान ये नहीं ले रहा मैं। आप ले रहे हो क्या? बढ़िया है वो अच्छी लग रही है। देखो तो अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि मेला बंद हो चुका है। रात के 11:30 हो चुके हैं। मौज कर दी हमने, खूब मजे कर लिए। मजे तो क्या करे यार, मेरे जो झूला झूलना था वो तो झूल ही नहीं पाए। कोई बात नहीं, बचपना खत्म और अब हम चल रहे हैं घर। भाई के सींग मस्त लग रहे हैं। मेला बंद कराने के लिए पुलिस आ गई है, तो मेला बंद करवा रही है। तो मेले से अब सीधा घर जा रहे हैं और अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको सोजत का मेला कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना।